कि कश्मीरी पंडितों का पलायन दो मौके पर हुआ। एक 1990 में जब बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार थी और इनके नेता जगमोहन, जिनको बाद में मोदी जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया, वो जगमोहन वहां के राज्यपाल थे कश्मीर के, और उस समय कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। दूसरा, इस देश को शर्मसार करने वाला दृश्य आज देखने को मिल रहा है, जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बना के पूरे देश में कई महीनों तक रोना धोना और चर्चा चलाना, उनके दर्द को बेचने का काम, उनके दर्द पे राजनीति करने का काम आपने किया। लेकिन जब आज वाकई उनके ऊपर मुसीबत आ गई, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो आप लोग सात दरवाजे के पीछे छिपे हुए। आज कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में एयरपोर्ट हो या सड़कें हो, ऐसे दृश्य, ऐसी दर्दनाक कहानियां, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, जिससे पूरा देश दुखी है, पीड़ित है, और कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विदेशी हो गए, अपने ही देश में कश्मीरी पंडित बेगाने हो गए, अपने ही देश में एक हिस्से में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की आतंकवादियों के द्वारा नृशंस हत्या की जा रही है। सरकार उनको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, उनको उन्हीं की कॉलोनियों में कैद कर दिया गया है, जेल बना के कैद कर उनको उनके घरों में, उनकी कॉलोनियों में रखा गया है, उनको प्रदर्शन करने पे, आंदोलन करने पे, आवाज उठाने पे, अपनी सुरक्षा की बात करने पे लाठियों से पीटा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी की सरकार से, केंद्र सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्या गुनाह है उनका? आज आपकी सरकार केंद्र में है कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करने के बजाय, उस पर चिंता करने के बजाय, आपकी सारी चिंता विपक्ष के नेताओं को कैसे फंसाया जाएगा इस काम में लगी हुई है। उनको आपके इन बैठकों की नौटंकी नहीं चाहिए, बैठकों के बाद आपके लंबे चौड़े भाषण नहीं चाहिए, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा चाहिए। अमित शाह जी, सुरक्षा। आप बैठकों का ड्रामा करके, बड़ी बड़ी बातें करके देश को एक नहीं अनेक बार गुमराह कर चुके, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन दो मौके पर हुआ। एक 1990 में जब बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार थी और इनके नेता जगमोहन, जिनको बाद में मोदी जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया, वो जगमोहन वहां के राज्यपाल थे कश्मीर के, और उस समय कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। दूसरा, इस देश को शर्मसार करने वाला दृश्य आज देखने को मिल रहा है, इस देश को पीड़ा देने वाला दृश्य आज देखने को मिल रहा है, इस देश के लोगों को दुखी करने वाला दृश्य आज देखने को मिल रहा है, जब कश्मीरी पंडित अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बूढ़े मां बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ कश्मीर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा है किसी भी समय उनको मार दिया जाएगा, किसी भी समय उनकी हत्या हो सकती है। और मोदी जी की सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से उनको सुरक्षा देने में विफल है।
फेल हो चुकी है सरकार, पूरे देश के सामने इसका चेहरा बेनकाब हुआ है। बड़े बड़े दावे करते थे आतंकवाद रोक देंगे, बड़े बड़े दावे करते थे कश्मीर में तो इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, कश्मीर में रोजगार बढ़ जाएगा, कश्मीर में जमीनें खरीदेंगे लोग, कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा। अरे कश्मीरी पंडितों को बसाना तो दूर की बात है, जो कश्मीरी पंडित वहां पर बचे थे तुम्हारी सरकार में, उनको भी वहां से पलायन करना पड़ रहा है, उनकी हत्याएं हो रही। सोचिए और जवाब दीजिए, सात दरवाजे के पीछे मत छुपिए मोदी जी, इन सवालों से भागिए मत अमित शाह जी, और बैठकों का ड्रामा और नौटंकी करके बड़ी बड़ी बातें करना बंद कीजिए। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दीजिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको आपके लंबे चौड़े भाषणों से मतलब नहीं। आप वो लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बना के पूरे देश में कई महीनों तक रोना धोना और चर्चा चलाना, उनके दर्द को बेचने का काम, उनके दर्द पे राजनीति करने का काम आपने किया। लेकिन जब आज वाकई उनके ऊपर मुसीबत आ गई, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो आप लोग सात दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं। अब चिंता नहीं है कश्मीरी पंडितों की, अब चिंता नहीं है उनके सुरक्षा की। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को चेताना और बताना चाहता हूं कि जल्द ही सख्त से सख्त कदम उठाइए, और जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की है उन आतंकवादियों का सफाया कीजिए, उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वो कार्रवाई चाहते हैं, आपकी बैठक और आपकी नौटंकी नहीं चाहते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।